स्वागत है फिर से एक नए दिन और एक नए वीडियो में भाई। अभी तैयारी है अपनी दिल्ली जाने की और फिलहाल मैं खड़ा हूँ गुड़गांव टू दिल्ली रोड पे। और भाई आसपास जो है आपने देखा अभी मेरे पीछे बहुत सारे बंदर हैं। ये एक बंदर आप ये देख रहे हो पीछे है, मेरे बच्चे हैं एक्चुअली बंदर के। और भाई मैं आपको बताऊँ, ये देखो एक बच्चा यहाँ पे है और काफ़ी सारे जो है ना उधर अंदर की तरफ देख, ये देखो भाई कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं आराम से। सर्दी है, दिल्ली की सर्दी तो सभी को पता है कितनी सर्दी हो रही है यहाँ। तो भाई सर्दी में है ना ये बंदर बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं। तो मैं रोड से निकल रहा था, जस्ट एक मिनट रुका मैं कॉल लेने के लिए और मैंने देखा इनको, तो मैं कहा चलो यहीं से आज वीडियो की स्टार्टिंग होगी, इससे अच्छी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। ये देखो भाई कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं एक साथ ग्रुप बना के। सर्दी में है ना जाम हो गए। ये जो आप देख रहे हो ना मेरे सामने जहाँ ये बंदर हैं सारे, ये है भाई अरावली हिल्स। ये पूरा कवर्ड है, इसको कहते हैं अरावली हिल्स। और बंदर ऐसे भागे भागे फिर रहे हैं यहाँ। बहुत सारे बंदर हैं, एक मोर भी दिखाई दे रहे हैं भाई, मोर भी काफ़ी सारे दिख गए मुझे। एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर आप लोग देख पाओ तो, इतने सारे मोर हैं भाई एक साथ। भाई यहाँ से देखो आप, सामने देख रहे हो ना कितने सारे मोर हैं, एक दो तीन चार पाँच छः मोर है भाई एक साथ, छः मोर। इनमें से मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई तीन मेल हैं और चार फीमेल है। मेल जो ऊपर की तरफ चल रहे हैं ना वो है, एक मेल ऊपर है उधर सात है भाई एक्चुअली। ये देखो आप ऊपर की तरफ अगर देखोगे ना वहाँ पे आपको दो मोर नज़र आएंगे, वो भी फीमेल है भाई। मेल यहाँ पे दो ही हैं, एक जो है वो बड़ा है और एक जो है बच्चा है। तो नए साल की 2024 की अपनी वीडियोस जो है वो स्टार्ट हो गई यानी, और अपनी फर्स्ट राइड जो है भाई वो हुई है आपकी मध्य प्रदेश एमपी से शुरू, जो अभी जस्ट मैं ख़त्म करके आ गया हूँ। वीडियोस आपने अगर नहीं देखी है तो आप चैनल पर जा सकते हैं और देख सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। वहाँ के दो प्रसिद्ध मंदिर जिनको मैंने विज़िट किया, एक था उनमें से जुगल किशोर मंदिर, दूसरा जो मंदिर था वो था श्री प्राणनाथ मंदिर। तो भाई दोनों ही मंदिर बहुत बढ़िया हैं, आप लोग जाओ वर्चुअली दर्शन कर सकते हो नहीं किए हैं तो। और ऐसी ऐसी वीडियोस तो आती रहेंगी अपनी। तो अभी प्रोग्राम है भाई, अभी जाने का प्लान है दिल्ली, तो चलते हैं दिल्ली, दिखाता हूँ मैं। और भाई सामने का वो जो आप सड़क के उधर भी देख रहे हो ना वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है सड़क के दोनों तरफ, ये इधर से और वो अपोजिट साइड रोड पर जो आप देख रहे हो ना वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट है जिसको अरावली हिल्स कहा जाता है। तो ये सारा जो है गुड़गांव का अरावली हिल्स एरिया। अब चलते हैं यहाँ से आगे क्योंकि हमें जाना है दिल्ली, चलो चलते हैं फिर। तो भाई ये है दिल्ली की सुबह, असल में गुड़गांव की सुबह दिखा रहा हूँ मैं आपको, अभी दिल्ली हम गए नहीं है। दिल्ली पहुंचे नहीं और देख लो जाम कितना ज़बरदस्त लगा पड़ा है। ये है भाई दिल्ली में इंटर करते ही सारा ट्रैफिक, रेड लाइट तो भाई दिखाई भी नहीं दे रही, इससे बहुत आगे है रेड लाइट। तो ऐसे ही कुछ माहौल है यहाँ।
चलते हैं देखते हैं कितनी दूर तक ये जाम है। तो भाई ट्रैफिक में थोड़ा सा आ गया है और रेड लाइट पे आके फिर जाम हो गया। ये हाल है दिल्ली का, दिन में तो आना ही बेकार है भाई, एक दो घंटे तो ट्रैफिक के हैं तो ट्रैफिक में ही ख़राब होने हैं। ये है दिल्ली बदरपुर रोड, सॉरी मैरोली बदरपुर रोड। यहाँ देखो कबूतर चौक बना रखा है भाई ने, बहुत बढ़िया फैसिलिटी कर रखी है। भाई की भी रोजी चल रही है, कबूतरों को दाना मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या होगा। ये पानी वानी की पूरी फैसिलिटी करके रख रखी है, दाना बेच रहे हैं, सही है। तो भाई रात को आने में हो गई मुझे लेट, देख रहे हो कितना अंधेरा हो रहा है, इसलिए कुछ दिखाई नहीं पाया मैं आप लोगों को। मैं कहा चलो कोई बात नहीं अब दिखा देते हैं। तो भाई घर पहुंच गए थे और सन्नाटा रहता है यहाँ जब मैं हूँ। तो देखो इस तरफ भी और इस तरफ भी कुछ नहीं दिखेगा। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया इसमें, अगले ब्लॉग में मैं आपको कुछ ना कुछ तो दिखाई दूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, फिर मिलते हैं किसी बढ़िया से व्लॉग को लेके, तब तक गुड बाय।